नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक 24। हाथरस जनपद के जिला अस्पताल में अनगिनत अव्यवस्थाएं हैं। पीने के पानी को तरसते मरीज और उनके तीमारदार, अस्पताल में लगे नल, सूखी पड़ी पानी की टंकियां इस तपती गर्मी में जिला अस्पताल की बदहाली की गवाही दे रही हैं। अस्पताल में पीने के पानी के लिए मरीजों के तीमारदारों के लिए सुविधा नहीं है, इनको पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं जिला अस्पताल के बाहर लगी दुकानों से पीने का पानी खरीद कर पीने को मजबूर है जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार। वहीं नगर पालिका द्वारा निःशुल्क जल वितरण करने के पूरे दावे झूठे हैं। पानी के नाम पर भी नगर पालिका घोटाला चला रहा है। देखें यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। यहाँ आप आज जिला अस्पताल में आए हुए हैं, तो यहाँ पानी की क्या समस्या दिख रही है आपको? जी, यहाँ पानी है ही नहीं, नाम मात्र का पानी नहीं है। कहीं का नल पे जाओ, पानी नहीं है किसी में। यहाँ नल लगे हुए हैं और वो दिखावटी नल है, सब दिखावटी नल है, टूटे पड़े हैं। हाँ जी, पानी है ही नहीं है। टंकियाँ लगी हुई है पानी, टंकियों में पानी नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल। हाँ, यहाँ आप पहली बार आए हैं? ऐसा पहली बार हुआ है या पहले भी आते रहे? पहले आए, नेकाद हो गया, मिल गया पानी, मिल गया। यहाँ पानी की व्यवस्था बेकार है, बेकार है। जिला अस्पताल में पानी पीने के लिए ही नहीं है, और नगर पालिका से भी व्यवस्था करिए, वो भी नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।